नमस्कार मित्रों, आज दोनों सदनों में कोल ब्लॉक आवंटन से संबंधित प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया है। इस वक्तव्य ने हमारे आरोपों का समाधान करने के बजाय उन आरोपों को और पुष्ट किया है और पुख्ता किया है। प्रधानमंत्री जी ने इस वक्तव्य के माध्यम से बार बार इस बात का श्रेय लेने की कोशिश की है कि नीलामी की पद्धति उनकी सरकार ने पहली बार बनाई। पैरा 6 में बहुत खुल के उन्होंने लिखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज द यूपीए वन गवर्नमेंट विच फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। मित्रों, हम इस नीति का यश प्रधानमंत्री को जरूर देते अगर उन्होंने नीति बनाने के बाद लागू भी कर दी होती। हमारा तो आरोप ही यह है कि 2004 में बनाई गई कॉम्पिटिटिव बिडिंग यानी नीलामी की नीति 2012 तक लागू नहीं की गई। छोटा मोटा विलंब नहीं है, 8 वर्षों की देरी है और हर स्टेज पर 2 वर्ष लगे। नीति बनी 2004 में, बिल बना 2006 में, बिल प्रस्तुत किया गया संसद में 2008 में, बिल पारित करवाया गया संसद से 2010 में और नियमों का नोटिफिकेशन उनकी अधिसूचना जारी की गई 2012 में। और विलंब का जिक्र करते हुए पहले कांग्रेस के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता और आज स्वयं प्रधानमंत्री ने भी काफी बड़ा ठीकरा राज्य सरकारों के सिर फोड़ना चाहा है। मैं आपको कोयला मंत्री का ही एक जवाब, जो राज्य लोकसभा में इस बिल के समय दिया गया था, उसकी 3 लाइनें पढ़कर बताती हूं। जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो कुछ माननीय सांसदों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या राज्य सरकारों की सहमति इस पर ले ली है, तो श्री प्रकाश जायसवाल कहते हैं, इस बिल को लाने के पहले राज्य सरकारों के खान मंत्रियों की हमने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी राज्य सरकारों के खान मंत्री आए थे। उन्होंने इस बिल के संशोधन के लिए अपनी सहमति दी है, इसलिए राज्य सरकारों की तरफ से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं कोयला मंत्री का बयान है, लेकिन तो भी आज के वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों की चर्चा की है, उनके पत्रों की चर्चा की है। मित्रों, जितनी देरी नीति को लागू करने में की गई उतनी ही जल्दी कोयला ब्लॉक को बांटने में की गई। मैं एक आंकड़ा आपको दूंगी, आप हैरान हो जाएंगे। सन 1993 से सन 2005 तक सभी राज्य सरकारों ने मिलकर 70 कोल ब्लॉक आवंटित किए थे, लेकिन 2006 से 2010 में इस सरकार ने 142 कोल ब्लॉक आवंटित किए, यानी 12 वर्षों में 70 और 4 वर्षों में 142, 70 से दुगने से भी ज्यादा। उसका कारण दिया है प्रधानमंत्री ने अपने पैरा 30 में और कहा है, पोस्टपोनिंग द एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स अंटिल द न्यू सिस्टम वॉज इन प्लेस वुड हैव मेंट लोअर एनर्जी प्रोडक्शन, लोअर जीडीपी ग्रोथ एंड ऑल्सो लोअर रेवेन्यूज। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर यही कारण है कोल ब्लॉक को जल्दी आवंटित करने का, तो प्रधानमंत्री जी कोल ब्लॉक तो आवंटित कर दिए थे, आज कहां है बिजली, कहां है जीडीपी ग्रोथ और कहां है वो बढ़ा हुआ रेवेन्यू। मित्रों, मेरा आरोप है रेवेन्यू तो जरूर आया है, लेकिन वो सरकारी खजाने में नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से नेता प्रतिपक्ष के नाते ये आरोप लगा रही हूं
कि इन कोल ब्लॉक आवंटन की यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी साथ में कटघरे में खड़ी होगी और बराबर की दोषी साबित होगी। इसलिए ये जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, इस वक्तव्य से किसी का समाधान नहीं हो सकता। इसमें केवल एक ही बात प्रसन्नता की है, जहां उन्होंने ये कहा है कि मैं मंत्री के नाते पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, प्रारंभ में ही कहा है। I want to assure honorable members that as the minister in charge, I take full responsibility for the decisions of this ministry. हम चाहेंगे कि वो वाकई अपनी नैतिक जिम्मेदारी लें और केवल अश्योर न करें, जबानी जमा खर्च न करें। हम मांग यही कर रहे हैं कि इस रेवेन्यू लॉस की नैतिक जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रधानमंत्री की बनती है और इसीलिए हमने उनके इस्तीफे की मांग की है। इसलिए हम मांग करते हैं कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और ये जो कोल ब्लॉक उन्होंने आवंटित किए हैं, जिसके आवंटन के कारण से सरकारी खजाने को लाखों करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, 1,86,000 करोड़ का तो सीएजी ने केवल प्राइवेट कंपनीज का निकाला है, अगर पीएसयूज को मिला ले तो यह घाटा 10,00,000 करोड़ से ज्यादा का बनता है। ये सारे कोल ब्लॉक कैंसिल किए जाएं, वापस नीलामी की पद्धति से इनको बांटा जाए, ये हमारी मांग है। इस वक्तव्य के बाद प्रधानमंत्री प्रेस में आए थे और बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने वहां एक शेर पढ़ा, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, वरना कितने सवाल बेआबरू होते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। मेरी तरफ से इतना ही, आगे अरुण जी जो जोड़ना चाहें जोड़ेंगे। मित्रों, आज जो दोनों सदनों में प्रधानमंत्री जी का बयान हुआ है, वो संविधान पे और एक संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रहार था। इट्स एन असॉल्ट बोथ ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। यूपीए का एक प्रयास रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को सबवर्ट करो और अगर उसमें सफल ना हो पाओ, कोई संवैधानिक संस्था अपने जिम्मेवारी और दायित्व को पूरा करती है तो उसको अटैक करो, असॉल्ट करो। और अगर पूरा बयान ले लिया जाए, जिसका मैं विश्लेषण आपके सामने करूंगा, शासन तंत्र में और राजनीति में जो नैतिकता है उसकी आवश्यकता के साथ उन्होंने घोर अन्याय किया है। इट्स अ डिफायंस ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस एंड इन पॉलिटी। उन्होंने आरंभ में कहा कि मैं इसकी पूर्ण जिम्मेवारी लेता हूं, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट स्टेप बाय स्टेप इफ यू एनालाइज हिज स्टेटमेंट, he transferred responsibility to somebody else. इस बयान में 5 मुख्य बातें हैं। पहली जिम्मेवारी वो देते हैं इस देश के संघीय ढांचे को। राज्यों का विरोध था और इसलिए कंपेटिटिव बिडिंग की नीति जो हमने बनाई थी उसको लागू करने में विलंब हो गया।
So according to the Prime Minister, federalism in India is responsible, not him. जीडीपी बढ़ाने की चिंता थी, पर कानून पास होने में संसद में बहुत समय लगता है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है. सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर्स प्रायोरिटी वॉज दैट द जीडीपी इंक्रीज शुड नॉट सफर बिकॉज दिस इज अ वैल्यूएबल natural resource which is required for industry. वो तीसरा अपने विभाग को दोष देने की बजाय अपने एक सहयोगी विभाग को दोष देते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री बार बार अपनी राय बदलती रही और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री जिम्मेवार है. उनका चौथा तर्क यह है कि हमने एक ट्रांसपेरेंट और फेयर बिडिंग प्रोसेस फॉलो किया और अंत में यह कहते हैं कि जो घाटा हुआ है सच में वो गलत है क्योंकि सीएजी की कैलकुलेशन में ही अपने आप में गलतियां हैं. इन पांचों तर्कों को आप ले लीजिए. कोई भी राज्य और विशेष रूप से जो राज्य मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, किसी भी दल के हों, वो अपने राज्य की चिंता करेंगे. लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा कि राज्यों का अधिकार केवल माइनर मिनरल के एलोकेशन पे है. मेजर मिनरल और कोल मेजर मिनरल है वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है और आपने तो राज्यों को ओवररूल कर दिया. राज्य जो अपने पावर प्रोडक्शन की चिंता कर रहे थे, अपने स्टील उद्योग की चिंता कर रहे थे, उनको ओवररूल कर दिया. और जो सुषमा जी ने बयान पढ़ा, मंत्री जी कहते हैं कि सब राज्य मान गए और ये ओवररूल आपने 2006 में कर दिया. तो फिर प्रधानमंत्री एक संघीय ढांचे पे दोष डालकर राज्यों की जिम्मेवारी डालें, ये इस देश के मुखिया को शोभा नहीं देता. मुझे जीडीपी ग्रोथ की चिंता थी, इसलिए संसद में बहुत समय लगता है, लोकतंत्र की ये मजबूरी है. माय प्रायोरिटी वाज जीडीपी ओवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज प्रोसेस ऑफ पासिंग लेजिस्लेशन. इस तर्क का खोखलापन देखिए. ये जो खदानें दी हैं, ये माइन कोल ब्लॉक्स दिए हैं, यहां माइनिंग अभी तक नेग्लिजिबल है. दे बेयरली माइंड एनीथिंग इन दीज माइंस. 2004 के पॉलिसी डिसीजन और 2012 के बीच में इन कोल ब्लॉक्स का जीडीपी ग्रोथ पे कंट्रीब्यूशन निल है. पावर सेक्टर की यह हालत है कि आज सबसे अधिक चिंता किसी सेक्टर पे है तो वो पावर सेक्टर के है. रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिस्ट आर टुडे बिलीविंग दैट पावर सेक्टर विल बिकम इंडिया सब प्राइम, जो डेट ट्रैप में फंस जाएगा, और वो प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है. आपके इस सारे कारनामों की वजह से कोयला नहीं है, पावर सेक्टर उसकी दुहाई दे रहा है. और आप कह रहे हो कि मुझे जीडीपी की चिंता थी, लोकतंत्र में कानून बनाने में समय लगता है. तीसरा तर्क आपने लॉ मिनिस्ट्री पे दिया. इसमें एक नहीं, सुषमा जी ने जो गिनाए, सबसे पहला जो विरोध हुआ जिसका जिक्र नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने,
28 जून 2004 को कंपेटिटिव बिडिंग की कॉन्सेप्ट आई। इट वॉज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस विच फर्स्ट सेबोटाज द मूव। ऑन 11 सितंबर 2004 द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सर्कुलेटेड अ नोट लिस्टिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपेटिटिव बिडिंग। सरकार की नीति जून में आती है और सितंबर में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उसको स्पाइरल में भेज देता है कि इस नीति से तो बड़ा नुकसान होगा। लॉ मिनिस्ट्री आपकी है, पहले सलाह देती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन से करो, फिर कहती है कानून बनाओ। इतनी आवश्यकता थी तो आप ऑर्डिनेंस ला सकते थे, सरकार कितनी ऑर्डिनेंस लाई, एक छोटा सा अमेंडमेंट बनाने में 2 साल लगा दिए। जब पारित हुआ तो 17 महीने उसको नोटिफाई करने में लगा दिए। ये 8 साल की यात्रा ये है। और उसके बाद जब सबको ये ऐलान हो गया कि अगली रिजीम कंपेटिटिव बिडिंग की है, नीलामी की है, तो एक प्रकार से दरवाजे खोल दिए कि आते जाओ और लूट के लेते जाओ। एंटिसिपेटिंग दैट देयर इज नाउ गोइंग टू बी अ चेंज इन रिजीम, यू ओपन द फ्लड गेट्स एंड एलोकेटेड 142 कोल ब्लॉक्स, मोस्ट ऑफ विच हैव नॉट इवन मूव्ड एन इंच, लेट अलोन कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी। आपने कहा कि वैसे इस बीच में स्क्रीनिंग कमेटी चल रही थी, बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म था। सीएजी की रिपोर्ट के पैरा 4.1 पेज 22 पे कोई पढ़ ले, मैं 4 लाइनें हैं अंग्रेजी में, मैं पढ़ देता हूं। इट वॉज ऑल्सो नोटेड दैट द स्क्रीनिंग कमेटी रिकमेंडेड द एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स टू अ पर्टिकुलर अलॉटी आउट ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स फॉर द कोल ब्लॉक्स बाय वे ऑफ मिनट्स ऑफ द सेट मीटिंग ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी। However, there was nothing on record in the said minutes or in any other document on any comparative evaluation of the applicants of the coal block which was relied upon by the screening committee. Minutes of the screening committee did not indicate how each one of the applicants for a particular coal block was evaluated. Thus, a transparent method of allocation of coal block was not followed by the screening committee. ना मिनट्स में ना किसी दस्तावेज में यह आधार नजर आता है कि अलग अलग एप्लीकेंट्स में से जिसको चुना गया क्यों चुना गया, क्राइटेरिया क्या था, यह किसी के सामने नहीं है। और इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह बहुत ट्रांसपेरेंट थी। और आखिरी पॉइंट वो कहते हैं कि यह जो घाटा हुआ यह आंकड़ा अपने आप में गलत है, दिस फिगर इज एग्जैजरेटेड। और 2 तर्क देते हैं कि आपने वैल्यूएशन का बेसिस गलत लगाया। हमारा एक दूसरा कानून है एमएमआरडी एक्ट का जो अमेंडमेंट है कि जो 26% होगा कोयले से मिलेगा वो उसी क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। वो जब कानून पास होगा तो तब होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव तो है नहीं, जो ले गया वो ले गया, पुराने कोयला जो निकल आया उस पर तो लागू होगा नहीं, वो लोग इनकम टैक्स देंगे, प्रॉफिट दिखलाएंगे तो शायद इनकम टैक्स देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अगर खर्चा ज्यादा दिखला दिया आरंभिक स्टेज पे तो पुस्तकों में घाटा होगा। यह मत भूले मित्रों कि इन कोल ब्लॉक्स का आवंटन करने के लिए इन 142 लोगों से कोई पैसा नहीं लिया गया। और इसलिए जो अभी कहा गया सुषमा जी द्वारा कि हमारी 2 स्पष्ट मांगे हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना
और असली रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी फेडरलिज्म पर, कभी लॉ मिनिस्ट्री पर, कभी डेमोक्रेसी पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर डाइवर्ट कर देना, यह सरकार के नेता को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जी प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लें और अपना पद त्यागे। जैसे 2G में हुआ, घाटा हुआ कि नहीं हुआ, निजी लोगों को लाभ हुआ कि नहीं हुआ, यह स्पष्ट पता चल जाएगा। आप इन 142 कोल ब्लॉक्स को कैंसिल कीजिए। यू मस्ट कैंसल ऑल दीज 142 कोल ब्लॉक्स एंड नाउ पुट देम टू कंपेटिटिव बिडिंग। वंस यू पुट देम टू कंपेटिटिव बिडिंग, द ट्रूथ और अदरवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट विल बिकम क्लियर एज टू वेदर द CAG's वैल्यूएशंस आर करेक्ट और नॉट। इन 2G हिस्ट्री हैज विंडिकेटेड द CAG। द सब्सिक्वेंट फिक्सेशन ऑफ 14,000 एज द बेस प्राइस फॉर द ऑक्शन, एंड इफ यू नाउ पुट दीज टू ऑक्शन आफ्टर कैंसलिंग देम, वी आर सर्टन that the extent and volume of the loss will also become clear. Thank you. सरकार अगर 142 कोल ब्लॉक का एलोकेशन कैंसिल कर दे तो क्या आप संसद चलने देंगे? 142 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करें और प्रधानमंत्री इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लें कि उन्होंने सरकारी राजस्व को घाटा पहुंचाया था। अभी जो अरुण जी ने 2G की बात की कि 2G स्पेक्ट्रम में केवल CAG का स्टैंड विंडिकेट नहीं हुआ, ऑपोजिशन का स्टैंड भी विंडिकेट हुआ। विपक्ष ने जो संसद नहीं चलने दी थी और उस समय हमसे कहा गया कि आप इतना लॉस करवा रहे हैं, इतने पैसे लगते हैं संसद के चलाने में, उसका नुकसान करा रहे हैं, आज उससे कितना ज्यादा, कितने गुना ज्यादा पैसा सरकारी खजाने में आएगा जब 14,000 करोड़ का बेस प्राइस अगर 1 रुपया भी ऊपर ना आए, केवल 14,000 पर आए तो भी 9 लाइसेंसेस में 1,26,000 करोड़ रुपया सरकार को मिलेगा। इसलिए हमारी मांगे दोनों हैं, इनको रद्द करिए, इनको नीलामी के रास्ते से आवंटित करिए और नैतिक जिम्मेदारी जिसका जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है अपने वक्तव्य में, उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पद त्यागिए। बिसाइड्स लॉस ऑफ टू द पब्लिक एक्सचेकर, the rationale for cancellation of these 142 blocks is nobody should be allowed to enjoy the fruits of a corrupt allotment at the cost of public exchequer. BSE ki meeting mein koi pratinidhi nahi gaya tha, lekin subah speaker sahiba ne leaders ki meeting bulai thi jisme main aur Gopinath ji dono gaye the। उसमें लीडर्स उपस्थित थे, एनडीए के लोग भी थे, लालू यादव थे, रेवती रमन सिंह थे, दारा सिंह चौहान थे, सुदीप बंदोपाध्याय थे। वहां हमने बहुत साफ उनसे कह दिया था, जब उन्होंने कहा था कि 12 बजे प्रधानमंत्री का वक्तव्य आ रहा है, क्या सदन चलना चाहिए, तो हमने बहुत साफ कहा था कि हम अपनी मांग पर अडिग हैं और ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक सदन की कार्यवाही बाधित होगी। और इसीलिए BSE में जाने का कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि सुबह अध्यक्ष महोदया के सामने मीटिंग हो चुकी थी। Well, A, we don't stand alone. And on the issue of corruption, even if we had to stand alone, it would be a majestic isolation. Because popular opinion would always be with us. But in on this, and in, on this issue, all our allies, including several other opposition parties, are strongly with us. नहीं, अरुण जी ने जो कह दिया मैं उसी को दोहराना चाह रही थी कि भ्रष्टाचार की लड़ाई अगर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को अकेले भी लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे, लेकिन अभी तो एनडीए के तीनों घटक दल साथ हैं, अन्ना डीएमके साथ है, अन्य दलों ने भी कहा है कि वो साथ रहेंगे, लेकिन अकेले भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे, इस चीज का आज ऐलान कर रहे हैं। राधिका, राधिका ये तो 2006 से 2010 के, हमारी सरकार तो 2004 में चली गई। हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो बांटे हैं वो तो 51 और 49 पर बांटे हैं,
उन्होंने इस रास्ते से नहीं बांटे जिस रास्ते से इन्होंने बांटे हैं। हमारी राज्य सरकारों ने तो इतनी अच्छी नीति अपनाई कि 51% का शेयर राज्य सरकार ने स्वयं रखा, 49% का वो रखा। अगर ये इस नीति पर भी दे देते तो भी सरकारी राजस्व को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता। वेल आई सेड दिस इज एन अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाउ टू कवर अप फॉर द फेलिंग्स ऑफ योर ओन गवर्नमेंट, इफ यू कांट सबवर्ट द सीएजी यू मस्ट असॉल्ट द सीएजी, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसी एंड दिस इज समथिंग वी स्ट्रांगली डिसअप्रूव। मिस्टर अखिलेश, देखिए कल मैंने जो लिखा है उसमें मैंने ये कहा कि, और मैंने उसमें पूरा लिस्ट दी कि क्या क्या तथ्य जो उस वक्त अधिकारी थे, जो कई अलॉटीज हैं और जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं। आज तो सच्चाई इन्हीं तीन रास्तों से बाहर आ रही है, उसका संकेत मैंने कल के अपने लेख में दे दिया है। मैंने अभी एक मिनट अखिलेश, मैंने अभी बोलते हुए कहा और सीधे कहा कि एक जिम्मेदार नेता के नाते मैं कह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी है। मैं सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूं, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। इसमें अगर मोटा माल लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अगर इसकी अंग्रेजी करके लिखोगे तो इसका वो ही निकल जाएगा, तत्व ही निकल जाएगा। मैंने कहा था कि दे आर सेइंग दैट दे वुड हैव लॉस्ट रेवेन्यूज and that time I had said this revenue has not come to the government treasury but this revenue has gone to the Congress party. Now I am again repeating it in Hindi ke wo chota mota revenue nahi hai, mota maal mila hai. You also write mota maal. CBI reports to the prime minister and his own role is under the scanner. What do you think, how the inquiry should be? You raised a very important point. We'll discuss this, but my initial reaction is, knowing the track record of some of our investigative agencies, this is a fit case for an SIT. पूरे एनडीए की है, बाकायदा मीटिंग हुई, पहले भी मीटिंग हुई, शुक्रवार से पहले भी, और आज मेरे साथ शरद यादव जब गए स्पीकर के कमरे में तो उन्होंने कहा कि हम सुषमा जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं, वो एकदम सही कह रही हैं कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ये शरद यादव जी ने मेरी मौजूदगी में आज लोकसभा स्पीकर को कहा। जी हाँ, यही तो मैं कह रही हूं जो आपने कहा है कि इसीलिए इस नीति पे विलंब किया गया। क्योंकि देखिए एक चीज आप लोग भूल रहे हैं, जिस समय ये जो पीरियड है 2004 से 2012 का, इसमें अगर आप 2006 से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम सोने जैसे हो गए थे, कोल हैड बिकम गोल्ड। तो होड़ लगी थी, होड़ कोयला ब्लॉक लेने की, और वो नहीं चाहते थे कि वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग से लें। अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग से लें तो उनको बहुत खर्चा करना पड़ता, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑक्शन की तलवार लटकाए रखो लेकिन दे दो इस रास्ते से। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं मोटा माल मिला है, और प्रधानमंत्री जिम्मेदार है इस चीज के लिए। तभी मैंने कहा दोनों बराबर के दोषी हैं। प्रधानमंत्री ने पार्टी को दिलवाने के लिए यह इतना विलंब किया है, ये जो बाकी 8 साल हैं। अभी जो 5 चीजें बताई अरुण जी ने, वो 5ों तो बेमानी तर्क हैं। वास्तव में उसमें कारण ये था कि किसी तरह से ये कोल ब्लॉक सारे आवंटित हो जाएं, तब उस नीति को लागू करो। अब बचा क्या है देने के लिए, और जितने कोल ब्लॉक आवंटित हुए एक को छोड़ के किसी ने खनन शुरू नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रही हूं, कल इनके वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तो धरती के गर्भ में है सारा कोयला, मदर अर्थ, धरती के गर्भ में, धरती मां के गर्भ में है सारा कोयला। तो ये जितनी बातें कही गई कि हमें विद्युत उत्पादन के लिए जल्दी करनी थी, हमें जीडीपी ग्रोथ के लिए जल्दी करनी थी, रेवेन्यूज के लिए जल्दी करनी थी, वो केवल पार्टी खजाने को मिलने वाले माल के लिए जल्दी करनी थी, और इसी कारण से नीति में विलंब किया, आवंटन में जल्दी की। मोटा तो मोटा ही होता, जितना मर्जी मोटा करते जाओ। इतना मोटा भ्रष्टाचार है इसमें, शायद आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कोल ब्लॉक आवंटन में। वेल सुषमा जी हैज ऑलरेडी सेड दैट आवर पोजीशन
remains firm, there is no question of retreat from that position. Yes. Okay. As far as your first question is concerned, I have already answered it. State governments are normally expected, particularly coal or mineral or lignite producing state governments, to say that give me priority for my own power projects or for my own steel projects. But the management of the major resource is with the central government. While managing it, the central government overruled them. Now the Prime Minister has to explain the delay thereafter, which is something which he has failed to do. Now nobody has even whispered that in the allocation of coal blocks prior to this, these kind of charges of corruption were being made. Prior to this, most coal blocks used to be allotted really to state sectors. Some were there to private sectors also. But then this was a system which existed under which no charges were ever made. Here this government came to a conclusion that now private sector has been brought into this area in a big way, so we must give it by competitive bidding to them. What is the rationale after declaring a policy in spending 8 years in implementing the policy and having such a big rush that in a 3-year period you allot 142 coal blocks? I don't have the figures right now. Faraj. But the earlier ones were all on the recommendations of the state government. The state government. Earlier, prior to this 2006, everything was on the recommendation. During NDA regime, out of 70, only 33 coal blocks were allotted. Just a minute. And that of which, if I am subject to correction, nearly 20 were in public, or 25 were in private sector, public sector. Most of them were in public sector those days. Private sector was unlimited. But that time the system was that they were being allotted on the recommendation of the state governments. You see, let's be very clear. Your second question really is incomprehensible because state governments don't have to accept or reject a CAG report of the center. They have spoken about it. Anybody can speak. You and I are also speaking, but state governments have no role in the CAG report of the center. And as far as the states are concerned, when allotments in a particular state were being made, not all state governments were present. One member of the state used to be invited of that particular state. And he was in a hopeless minority of one. And that was a civil servant. संसद को बंधक कोई नहीं बना रहा, जो विधा हमें उपलब्ध है उस विधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि 2G स्पेक्ट्रम में भी रास्ता यही अपनाया गया था, सरकारी खजाने को 1,26,000 करोड़ रुपए का लाभ हो रहा है उससे। और अगर संसद को 10 दिन रोक करके यहाँ भी 1,86,000 करोड़ का फायदा हो जाए तो संसद बंधक नहीं बनेगी बल्कि सरकारी घाटे की पूर्ति होगी।